नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने छुचकवास नर्सिंग कॉलेज के संचालकों पर एग्जाम में नकल की एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाया है। नाराज छात्रों ने झज्जर डीसी ऑफिस पहुंचकर एग्जाम सेंटर को रद्द कराने की मांग की है। डीसी ऑफिस में दिखाई दे रही ये छात्राएं कासनी नर्सिंग कॉलेज की हैं। दरअसल इन छात्राओं का एग्जाम सेंटर छुचकवास नर्सिंग कॉलेज है। 26 अप्रैल को छात्राएं एग्जाम देने पहुंची तो उन्हें एग्जाम सेंटर में लेट एंट्री दी गई। एग्जाम सेंटर में छुचकवास नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को धड़ल्ले से नकल कराई जा रही थी। एक बजे एग्जाम स्टार्ट होता है, उसके बाद 1:30 बजे हमारी एंट्री हुई और 4 बजे एग्जाम खत्म होता है, लेकिन उससे पहले हमारा एग्जाम ले लिया गया था और उनका एग्जाम 5 बजे ले गया। यही नहीं, एग्जाम सेंटर संचालकों ने इन छात्राओं से नकल करवाने की एवज में 15,000 रुपए मांगे। जब छात्राओं ने इनकार किया तो इन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। हम एग्जाम देने गए, वहाँ पे हमारे पेपर छीन लिए गए और छीन के हम एग्जाम जो रूम है उससे बाहर निकाल दिए गए और निकालने के बाद मेन गेट है जो वो बंद कर दिया गया, उससे बाहर नहीं निकलने दिया गया और हम उससे तो बाहर जबरदस्ती निकल आए। लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये किया है कि जाती हुई है हमारे साथ एग्जाम में, वहाँ तो बच्चे पैसे देते कि नकल कर रहे हैं और हमारा एग्जाम वैसे भी नहीं होने दे रहे वो। इसी बात से क्षुब्ध छात्राओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर छुचकवास सेंटर को रद्द करने की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई के आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। झज्जर से संजीत खन्ना के साथ टीम फोकस हरियाणा।